दोस्तों आदाब, मैं हूं तारिक आजमी और आप देख रहे हैं PNN 24 न्यूज। खबर वही जो हो सही। मौसम में जिस तरीके से रफ्ता रफ्ता गर्मियां बढ़ती जा रही हैं, उसी तरीके से बनारस शहर के अंदर सियासी गर्मियां बढ़ती जा रही हैं। सियासत के क्रम में एक तरफ जहां भाजपा के प्रत्याशी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तरफ से भाजपा के कार्यकर्ता अपना प्रचार अभियान शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं, वही इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की तरफ से डोर टू डोर जाकर के कांग्रेस का घोषणा पत्र दिया जा रहा है और कांग्रेस की गारंटियों के बारे में बताया जा रहा है और एक फॉर्म भी भरवाया जा रहा है। इन सारे क्रम के बीच में आज दालमंडी के क्षेत्र में कई सपा के कार्यकर्ताओं ने, जो सपा और कांग्रेस का गठबंधन है, वो सपा के कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर के इस तरीके के से फॉर्म भरवाए। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो और उनके प्रस्तावकों में महिला की उपस्थिति ना होने पर कांग्रेस लगातार हमलावर है। कांग्रेस की महिला नेता अनुराधा यादव ने अपना एक वीडियो बयान जारी करते हुए इसके ऊपर जोरदार हमला किया कि क्या प्रधानमंत्री के प्रस्तावकों में देश की आधी आबादी, दुनिया की आधी आबादी महिलाएं एक भी नहीं रही। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 14 तारीख को अपना नामांकन किया। उन्होंने 4 प्रस्तावक बनाए जिसमें एक भी महिलाएं नहीं थी। ये महिलाओं की सम्मान की बात करते हैं, ये महिलाओं का वंदन अभिनंदन करते हैं, लेकिन एक भी काशी से उन्हें महिला प्रस्तावक नहीं मिली। ये नारी सम्मान की बात करते हैं, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ नारियों को अपने वोट बैंक समझा है। कभी भी इन्होंने राजनीति पलट पर या सामाजिक, इन्होंने वो सम्मान महिलाओं को नहीं दिया जो उन्हें मिलना चाहिए। अभी उनके ही संसदीय क्षेत्र काशी में एक BHU की छात्रा के साथ इन्हीं के IT सेल के लोगों के द्वारा बलात्कार किया जाता है, मगर उसके लिए भी उनको अफसोस या दो टुक नहीं निकलते। तमाम देश में, चाहे वो मणिपुर का हादसा हो, क्या वो नारी नहीं थी? इसके लिए भी उन्होंने आकर के कुछ भी बयान नहीं दिया। और जब चुनाव आता है तो ये पूरे देश की महिलाओं का सम्मान करने लगते हैं, पैर छूने लगते हैं, नंदन अभिनंदन करने लगते हैं। आपने मूर्ख समझा है महिलाओं को, आपने कभी भी महिलाओं का सम्मान नहीं किया और चुनाव आते ही आप महिलाओं के सम्मान की बात करने लगते हैं। आपके प्रस्तावकों में एक भी महिला नहीं मिली क्या? काशी में एक भी ऐसी महिला आपके पास नहीं थी जिसको आप अपना प्रस्तावक बना सके? और महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं और वहीं आए दिन आप ही के लोगों के द्वारा बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ बलात्कार किया जाता है और लीपापोती करके उसको मामले को ख़त्म कर दिया जाता है। कब तक मोदी जी, आप जवाब दीजिए। आप देश के प्रधानमंत्री और काशी के आप सांसद हैं, कब तक इस तरह मौन रहेंगे और चुनाव आते ही आप अपना शीश हमारे सामने झुकाते रहेंगे और नारियों को मूर्ख बनाते रहेंगे? अब वो समय गया। मैं नारियों, काशी की सभी नारियों को ये कहना चाहती हूँ कि अपने वोट को इस तरह से बिखरने मत दीजिए, इसका अपमान मत कराइए। आप सभी इस बात को समझिए कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ हमें वोट बैंक समझा है। दूसरी तरफ जिस तरीके से भाजपा के द्वारा प्रधानमंत्री के रोड शो को एक सफल और बंपर रोड शो बताया जा रहा है, वही कांग्रेस इस रोड शो को फ्लॉप रोड शो बता रही है। हमारे नुमाइंदगी करने वाले शफी उस्मानी ने कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे से काफी लंबी बातचीत किया। देखिए राघवेंद्र चौबे और शफी उस्मानी के बीच की बातचीत। महानगर कांग्रेस कमेटी वाराणसी के अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे आज हमारे साथ हैं। राघवेंद्र जी, ये बताइए, नरेंद्र मोदी जी का शो हुआ, इस रोड शो में मीडिया लोग ने दिखाया कि लाखों की हुजूम आई थी बनारस, तो आप उस पर क्या बोलना चाहेंगे? लाखों के नहीं, मुझे लगता है कि चंद हजार लोग, 2-4-5 हजार लोग थे और वो भी स्थानीय लोग नहीं थे, बाहर से बुलाए गए लोग, बसों में भर करके लाए गए लोग।
अगल बगल के जिलों के बुलाए लोग, बल्कि हम लोगों ने तो राजस्थान और आगरा तक की गाड़ियां देखी हैं, इलाहाबाद की गाड़ी बसें देखी, तो बाहर के लोग आए हुए थे, एक भी स्थानीय लोग नहीं थे। स्थानीय लोगों में सिर्फ उनके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता शामिल थे और पूरी तरह से रोड शो फ्लॉप रहा, जिसकी बेचारगी और लाचारी कह लीजिए कि दूसरे दिन नरेंद्र मोदी जी ने माँ गंगा के बीच में उनको पश्चाताप हुआ और वो उनके आंसू के रूप में देश के सामने आया। और देश लगातार एक ऐसे योद्धा को झेल रहा है, जब जिम्मेदारी निभाने का समय आता है, युद्ध का समय होता है, तो चंद आंसू बहा करके इस देश के लोगों के भावनाओं के साथ खेलने का काम करते हैं, इमोशनली कार्ड खेलते हैं। कोरोना का समय था, उनको देश के लोगों की सेवा करनी थी, तो नाम और बनाने के चक्कर में जबरदस्ती लोगों को वैक्सीन लगवा करके मौत के मुहाने पर खड़ा कर दिया, एक जीवित बम बना के रखा है। कब किस इंसान के साथ हादसा हो जाएगा ये कहीं से कहा नहीं जा सकता। और जब जिम्मेदारी लेने की बात आए तो दो आंसू बहा दिया मीडिया के भाइयों के सामने। इस बार बनारस परिवर्तन का मन बना चुका है, देश में जो परिवर्तन की लहर चल रही है उसके साथ बनारस भी शामिल है। और मोदी जी की 4 जून को विदाई 100% तय है, बनारस से विदा होंगे, इस देश से विदा होंगे। लेकिन भाजपा का कहना है कि अब की बार 400 पार आएगी। अब कहाँ बोलना है, अब नहीं बोलना है। नारा पहले था 400 पार, बनारस में 10 लाख पार, अब तो जीतने के लाले पड़े हुए, लड़ाई बन नहीं पा रही है। पूरी तरह से जनता ने बेरोजगारी के नाम पे, भ्रष्टाचार के नाम पे, महंगाई के नाम पे, और जिस तरह से 45 वर्ष का सबसे ज्यादा बेरोजगारी का आंकड़ा हिंदुस्तान ने छूने का काम किया, महंगाई में चरम पे है, लोग अपने बच्चों का एडमिशन नहीं करा पा रहे हैं, कापी किताब नहीं खरीद पा रहे हैं, किसी तरह फीस व्यवस्था कर रहे हैं, तो ये जो तंग बदहालियों का सामना इस देश की जनता कर रही है, उनको लग रहा है हम पहले 2000 के पहले ही ज्यादा सुरक्षित हाथों में थे, हम खुशहाल थे, आज लाचार हैं, किसी तरह कर्ज लेकर के एन गेन प्रकार अपनी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, लोगों की परचेजिंग पावर घट चुकी है और जनता मोदी जी की विदाई का मन बना चुकी है। बनारस में मोदी जी और भाजपा का कहना है कि बहुत विकास हुआ है, आपको कितना विकास दिख रहा है बनारस में? बनारस में जो विकास हुआ, जाके आप गलियों को देख लीजिए, थोड़ा सा एक दो किलोमीटर का सड़क तो उसका भी रंग रोगन कोई चौड़ाकरण नहीं, बनारस को उन्होंने बदहाल कर दिया है, जाम के मकर जाल में फंसा दिया है। बनारस में कोई मूलभूत सुविधा मिली नहीं, 10 साल प्रधानमंत्री का क्षेत्र रहा, एक हॉस्पिटल नहीं बना, एक कल कारखाने नहीं लगाए गए जिससे लोगों को रोजगार मिले, एक केंद्रीय विद्यालय नहीं बनाया गया जिससे लोगों के बच्चों को सस्ती शिक्षा मिल सके, जो मूल पे केवल सब्ज बाग दिखा करके हवा हवाई बातों को कर करके ये लोगों को बेवकूफ बनाते रहे। 10 साल जनता ने इनको बहुत अवसर दिया और ये पूरे 10 साल बर्बाद कर दिया हिंदुस्तान का, बहुत पीछे ले गए। जो खुद मुझे लगता है कि अगर मोदी जी के अंदर थोड़ी सी नैतिकता हो तो 2014 में जितना उन्होंने कांग्रेस को कोसने का काम किया था, उन वीडियो को उन भाषणों को स्वतः अगर सुन लें तो मुझे लगता है कि मोदी जी आज ही झोला उठा करके चल देंगे। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अजय राय जी ने अपना नामांकन जब किया तो उसमें काफी भीड़ थी, लेकिन कोई न्यूज चैनल ने दिखाया नहीं, क्या बोलेंगे? हाँ, जिसको दिखाना था वो दिखाया है, जो मीडिया के साथी है, बाकी आप जान ही रहे हैं मीडिया क्या स्थिति है। लेकिन हम लोग इस बार स्थानीय लोगों को लेकर के, स्थानीय मुद्दों पे बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव जीतने जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र जी, धन्यवाद। आप देख रहे हैं PN24 न्यूज, खबर रही जो हो सही। इसी तरीके की खबरों के लिए जुड़े रहे आप हमारे साथ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकॉन सब्सक्रिप्शन के बाद दबाना ना भूलें। मैं तारिक आजमी, अल्लाह हाफिज़।